नमस्कार, मैं लक्की। तो आप सभी मेरे को जानते हैं कि मैं लक्की जो हम फार्मिंग का काम करते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज ये हम कर रहे हैं गोभी की प्लांटेशन। एक दिन मैंने गोभी की प्लांटेशन की पहले भी 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो वो जो उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था, मतलब थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया था, आज भी लेट हो गया थोड़ा। तो उस दिन क्या था, 3-4 बेड छूट गए थे हमारे गोभी के, तो 3-4 बेड छूट गए थे। जैसे ये उस दिन ये प्लांटेशन की थी हमने, ये जो पीछे खेत लगा हुआ है, एक कम से कम 3,000 तक पौध जो है खेत में ट्रांसप्लांट कर दी है। तो आज लगभग 3-4 बेड आज भी करेंगे हम ट्रांसप्लांट। ये बचे हैं तीन चार बेड है, 1, 2, 3, 4 बेड चार बेड है। तो मैं आपको बताता हूँ कितना डिस्टेंस गोभी लगाने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए और कितने कितनी कितनी पौध हो तो उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो आज चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कम से कम, ये देखो, ये है गोभी की पौध, ये 5-6 इंच तक हो जाए तो इसको जो खेतों में ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना है जो पौध जो है ये नाजुक होते हैं, ये मर बहुत जल्दी मर जाते हैं जल्दी। तो ये अगर जितना बड़ा पौध होगा तो उतना अच्छा होगा और वो मरेगा नहीं जल्दी जल्दी, क्या वैसे नहीं मरेगा अगर अच्छा पौध होगा तो। तो आज ये देखो, ये कर रहे हैं हम ट्रांसप्लांटिंग। तो ये नीचे हमने इस पौध को डाल दिया 2-2 करके काउंट, क्योंकि हम उतने ही पौध जो है पनीरी नर्सरी से लाए थे, उतने ही पौध निकाले थे नर्सरी से जितना कि हमने आज लगा सकेंगे। तो हमने काउंटिंग करके इनको 2-2 डाल दिया है। ये 2-2 इसलिए डाला है क्योंकि अगर कल को एक पौध जो है डैमेज हो जाए तो दूसरा काम कर जाएगा। अगर कहीं दूसरी जगह भी डैमेज हो जाए पौध या मर जाए तो इसको हम यहाँ से निकाल कर वहाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर कहीं अगर कोई छोटा गड्ढा जो है, ये गड्ढे बनाए हमने छोटे, अगर कोई खाली हो जाए या मर जाए पौध, तो हम ये 2 पौध लगाने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इससे हम एक पौध को निकाल कर वहाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक खेत को एक समतल, मतलब उसकी जुताई करनी होती है एक अच्छी प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल उसको नरम करनी होती है, मिट्टी बिल्कुल नरम। जैसे ये बनाया हमने बेड, फिर उसके बाद बेड बनाते हैं। बेड के बाद हम एक साइज में 1.5 बाई 1.5, ये लगभग 1.25 फीट ऐसे और सवा फीट पे लगा दिया मैंने, क्योंकि इसका साइज तो 1.5 बाई 1.5 का होता है, मगर 1.5 बाई 1.5 का साइज से क्या होता है कि ये गोभी के जो ये क्या होता है कि एक ही फूल आता है इसमें और ये बस इसके बाद एक के बाद फूल नहीं निकलता। जैसे अगर अदर हो जैसे टमाटर वगैरह तो उसको डिस्टेंस काफ़ी देना पड़ता है, क्योंकि उसका जो घेराव ज़्यादा लेता है, पौधा बड़ा हो जाता है साइज में घेराव ज़्यादा लेता है। तो इसका घेराव लगभग ऐसे 1.5 से 2 फीट तक ऊंचा होगा और ये घेराव कम लेता है, 6 से 8 इंच तक घेराव लेता है। तो इससे क्या है, इससे जो है इसका, इसलिए मैंने इसका 1.25 फीट का डिस्टेंस दिया, ज़्यादा नहीं दिया। वैसे तो 1.5 बाई 1.5 का देते हैं जो हमें एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं, कम से कम 1.5 बाई 1.5 का डिस्टेंस दे, तो हम 1.5 बाई 1.5 का देते थे, हमें काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिकली करते हुए। 1.5 बाई 1.5 के डिस्टेंस में भी उतना ही बेनिफिट है जितना 1.25 के डिस्टेंस में होता है। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि थोड़े पौध जो थोड़े और एडजस्ट हो जाते हैं और ज़्यादा पौध एडजस्ट हो जाती है। तो इसका मेरा मेन मकसद यही होता है कि दोस्तों कि आजकल जो कोविड का सेशन चला हुआ है तो बहुत बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं और उनके रोज़गार के साधन नहीं रहे उनके पास, बेचारे बहुत मतलब उनको बेरोज़गार हो गए और उनकी स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई है, मतलब अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो आर्थिक व्यवस्था आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। तो इसका मेन कारण ये है कि अगर आप मतलब बेरोज़गार हो गए हैं कोविड के टाइम में, तो आप अपने खेतों में ये सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं और इससे जो अच्छी खासी इनकम हो जाती है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और हम तो इसी पे डिपेंड, हम फार्मिंग का ही काम करते हैं। जैसे अभी कोविड का सेशन चला हुआ था तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमें आर्थिक कोई तंगी नहीं आई आर्थिक। तो इससे क्या, पहले जो कोविड का सेशन चला हुआ था उस टाइम भी मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेरे को कोविड में जाने का पास दिया हुआ था, गाड़ी का पास दिया हुआ था, मेरे बाइक है मेरे पास गाड़ी, तो उसका पास दिया था कि आप कहीं भी जा सकते हो और अपनी सामान सब्जी बेच सकते हो। एसडीएम साहब ने मेरे को पास दिया हुआ था, अलाउ किया हुआ था। तो मैं मतलब इससे हमें कोविड सेशन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हमें ज़्यादा ग्रो हुई, क्योंकि सब्जी के दाम जो अच्छे मिल गए कोविड के सेशन में, मगर हमने ज़्यादा दाम नहीं लिए क्योंकि आजकल जो बेरोज़गारी बहुत थी, तो हम मतलब जो भी हम थोक के भाव से उसी भाव से हम खेतों से लोग आकर सब्जी ले गए हमसे। तो मेरा मेन कारण ये कि
अगर आप बेरोजगार हो गए हैं कोविड के टाइम, तो आप अपने खेतों में सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। जैसे अभी दिसंबर का महीना लगा हुआ, गोभी लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, फिर मटर लगा सकते हैं, साग लगा सकते हैं, हरा धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अच्छा प्रॉफिट हो जाता है और अच्छी खासी इनकम हो जाती है और अपने अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो जाती है। वैसे भी तो ये कृषि जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, हिमाचल की भी रीढ़ की हड्डी है, काम करती है। इससे कितना 16% जो है अभी जीडीपी में आया कि 16% कृषि का जो है भारत में की इकोनॉमी में वह योगदान रहा। तो कृषि से जो है भारत की मतलब अर्थव्यवस्था सुधर रही है, 16% का योगदान है इसमें। अभी तो मेरा तो जैसे मैं साथ साथ में पढ़ाई भी करता हूँ दोस्तों, मैंने एमए कर रखी है पॉलिटिकल में, एमए भी हूँ और जेबीटी की ट्रेनिंग भी की है। तो जब तक मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती तब तक हम यहीं तक ट्राई करते रहेंगे, यहीं अपना मतलब ये हमारा सोर्स है, इनकम सोर्स, तो इसी पे हम डिपेंड है। मेरे फादर साहब भी फार्मिंग का काम करते हैं, तो जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं लगती तो तब तक हम अपना खेतों का काम करते रहेंगे। अगर नौकरी मिल भी गई तो मैं तब भी काम करता रहूँगा, लोगों को मतलब मजदूर लगा लूंगा या कोई भी लगा लूंगा, तो तब भी मैं अपना खेतों में काम करता रहूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। दोस्तों अगर मेरा YouTube चैनल आपको अच्छा लगे या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता रहता हूँ और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन होती रहती है और मैं भी आपको मतलब और काम को बढ़ाता रहता हूँ, आगे और बढ़ाऊँगा। तो मैं आगे क्या क्या इसको ज़रूरत होती है, गोभी को खाद पानी की अगर जो भी एक्टिविटी जो भी है, तो उसका मैं आपको टाइमली वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इसके यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे सब्जियाँ लगाई जाती है और कैसे कैसे फार्मिंग की जाती है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।